तो प्रोसेसिंग करता बड़ा आईटी सेंटर में गांव के मैं जा रही ग्राम पंचायत वहां पढ़ा मैं जाना को ना आड़ू आदमी मान तो सुना देता हूँ उठाते फोन वालों के देगा आपको 20,000 होगा मैं राजीव जमा आपको 20 होगा सुनावा सुनावा ये देवे को नहीं सुनावा का बना रहे हो भाई जी मोरी ऊट ने बांध बने अच्छा ठीक है तो आप राजसमंदो आया राजसमंदो कितना किलोमीटर आपने उठाने गाड़ी में लिया या पैदल ही हाईवे हाईवे गाड़ी में लिया जने तो चल तो किराए भारी पड़ गयो साहब भाई पड़ी गो पालान तरावा तो मोटो करा कितना महीना कितने साल पाल रहे हो आप मैं तो 3-7 पीढ़ी से चालू है प्रोग्राम मेला में घना सालों आ रहे अच्छा किस जगह पता रहे आप राजसमंद जिले से आए हैं और इन्होंने कानों में आपने जो पहना है सोने का बड़ा ही प्यारा लग रहा है राजस्थान का जो ये पगड़ी है और गले में एकदम ट्रेडिशनल कपड़ों में आप ग्रेट लग रहे हैं ठीक है जी थैंक यू एंजॉय करो मेला ने राम राम साहब ये बात का मेलो 2 दिन और चाली साली किस जगह बता रहे आप राजसमंद अच्छा राजसमंद हो आप सारा लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है मेरे नई वीडियो में और अभी मैं पुष्कर मेले में हूँ पुष्कर मेले में आज 11 तारीख हो गई और ट्रेन के अपडेट्स सब मैं आप तक पहुँचाता हूँ तो आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं तो जैसा कि मेला जो है वो अभी 3-4 दिन से रेगुलर बहुत ज़्यादा था और आज जो अपने ऊँटों को लेके अपने ये गाड़ियों को लेके जो है प्रस्थान कर रहे हैं लोग अपने गांवों की तरफ जो राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं वो अपने घोड़ों को सॉरी अपने ऊँटों को लेके वापस प्रस्थान कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अपना जो चमकता है तो हम आगे बढ़ते हैं और भी आप बताते हैं आपको कुछ जो दूध है वो बेचने के लिए छात्र और ही आए हुए हैं फोटोग्राफर लोग जा रहे हैं हेल्प फॉर सफरिंग एंड अच्छा ये मुफ्त में इनको दवाइयाँ दी जा रही है फ्री तो ये ऊँट और ये दवाई लेने के लिए आ गए फ्री में मिल रही है दवाई यस यस ओके तो फ्री में मिल रही है दवाइयाँ और ये ऊँट दो ऊँट है जो दवाइयाँ लेने आ गए ओके थोड़ा सा आगे और चलते हैं ऊँट जो है वो मेले से कम हो रहे हैं और ऊँटों के जो मालिक है जो लेन देन का सिलसिला और खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वो कम हो गया ये जो चारा का बनाया हुआ था लगभग चारा भी अब ख़त्म हो चुका है रास्ते में खिलाने के लिए जो अपना ये इसको मारवाड़ी में कुछ भी बोलते हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त तो आप ये आप देख रहे हैं बांधे जा रहे हैं रास्ते के लिए चारा ये खाली हो गया और इसमें थोड़ा सा बचा है देखो ये पूरा जो है भरी हुई थी पहले ऊँटों से अब वो जो है वो थोड़े कम हो गए हैं तो बातें हो रही है चित्तौड़ से आए हुए लोग हैं
वोट कम कैसे हो गए मेले में? राम राम। वोट तो कम हो रही है। तो ये कब तक सारे चले जाएंगे वोट? चार पाँच साल, एक दो रोज में चल जाएंगे। एक दो रोज में चले जाएंगे। मेला हो गया खत्म? हाँ। इस बार का कैसा रहा मेला? बढ़िया। आप कितने वोट लाए? सात आठ। सात आठ वोट लाए आपने? जो अपना सापा है वो वहाँ रख दिया? हाँ। तो बाबूजी ने अपना सापा जो है राजस्थानी पगड़ी, अभी अभी धूप लगा रहे हैं आप सर के? हाँ। क्या बात है, बीड़ी भी पीते हो? हाँ। अच्छा, अभी नहीं पी रहे बीड़ी। तो कितने वोट लाए, कहाँ से आप? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप आए, कितने वोट लाए? सारे बेच दिए? तो दो भी बिक जाएंगे? इस बार सबसे हाईएस्ट जो रेट है, क्या रेट में बिक रहे हैं ऊंट? लाख का बिक रहे हैं। हाँ जी, एक लाख का। एक लाख का। राजस्थान में कौन सी जगह से यहाँ लोग आए हुए हैं सारे? जैसलमेर, बाड़मेर, धोरीमीना, सातपुर, इधर जयपुर, भरतपुर, सभी एरिया के ऊंट आए हैं। चित्तौड़, मेवाड़, पाली जिले में आए? पाली राजस्थान से आए, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राजस्थान से आए। उदयपुर से? उदयपुर से आए। और इधर नागौर? नागौर से आए। एरिया का सभी लोग, बीकानेरी का सभी किसान आया है। मालूम मोटो मेलो आपने, प्रसिद्ध मेलो है, प्रसिद्ध मेलो, दुनिया का मान प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध मेलो आपने शुक्र बाबा को मेलो, राजस्थान का मान पहलो पशु मेला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में सबसे जो अच्छा मेला है, बाकी अच्छी घोड़ी आती है, अच्छा घोड़िया का बहुत बढ़ता है, घोड़ी ऊँट जैसा, मतलब लोग लेना बेना चाहे हो वैसी घोड़ी ऊँट जैसा आपकी तमन्ना है वैसा धन मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, तमन्ना के अनुसार है जो अपनी ख्वाहिश पूरी। और ये जो दो तीन दिन और रहेगा मेले का? हाँ बस भैया, तो देखो मेलो तो पहली तो अपने पूर्णवासी तक चलिया कर दो। और जी हाँ, अभी भी मान लो आज वन काल का दिन हो गयो, तो भी एक दो तीन दिन अजी बिक्री चालन लाग रही है कोई, मान लो माइनर आपके जो फट गए हैं मेले में आने वाले। तो बैठन लगे, तो बैठन लगे। ठीक है मालिक, ठीक है, ओके करो इंजॉय। और जो है अंकल जी चाय बना रहे हैं सुबह सुबह। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आप भी गंगानगर? हूँ हनुमानगढ़ से। सॉरी, हनुमानगढ़ से हैं। और जो है बढ़िया एकदम चाय बना रहे हैं सुबह सुबह। आप पीतल की है? ये पीतल की। एक का नाम लिखे है, दानाराम या डल्लू राम? डल्लू राम कौन है? वाह, तो आपने मारवाड़ी राजस्थान का गंगानगर का जगह लोग है, पहली बर्तन लेता तो नाम लिखा था, क्योंकि आस पास वाला क्यों लिखा था वो नाम? अच्छा, दो 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 तीन बर्तन साथ ही लेता? एक चार एक चार। अच्छा, पीतल का ही चालता पहली। और बढ़िया है जी, चाय पियो आराम हो सुबह सुबह। आपका दिन शुभ हो, करो एंजॉय। नहीं ठीक सर, राम राम। चाय चाय मालिक पियो आप। थैंक यू। नहीं नहीं, थोड़ा सा पियो आप, पियो। ओके। और लगातार हेलो, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, एंड आर यू एंजॉयिंग द मॉर्निंग टाइम एट पुष्कर राजस्थान? आर यू एंजॉयिंग द फेस्टिवल? विच योर कंट्री? Are you from Germany? Oh, that's a nice country. Yes, it's a nice country. But India is nice country. India is a nice country too, huh? Too also? Yes. But Germany is the most development country. You think so? In the world. No, no, I think so not. But still, this is correct. Okay, okay. And ma'am, how is experience Pushkar Rajasthan? You don't talk. Okay? So, ye jo bachche hai, wo inke paas hai. Okay, bye. Have a good day. थैंक यू। तो ये जो है, ये ऊंट गाड़ी जो ट्रॉली से ये लोहे की बनी हुई है, और इस पे ऊंट और ये गाड़ी चलती है। और भी देखो, रहने के लिए चूल्हा तीन ईंटों से बनाया हुआ है, चमचा और ये हुक्का। ये देखो, राजस्थान के अंदर जो पानी पीते हैं अपन, उसके लिए मटकी ये है, और ये पानी के लिए है। और हेलो, कैसे हो गंगानगर? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हो रहा है टाइम पास? तो ये भाई कल मिला था, आज और मिल गया। आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है? कल ही कटवा के आया हूं। क्यों? वैसे यार बहुत बड़े बाल थे यार,
अच्छी लग रहे हो एकदम, कितनी शानदार हो रही फेस वेस लगाए हुए। कानों में ये क्या, चांदी का? हाँ चांदी का जी। भाई ने जो चांदी का पहन रखा है दोनों कानों में? दोनों में पहनते जी, एक कान में क्यों पहनेंगे यार। प्रेमिका ने दिया आपके? हाँ उनको गिफ्ट था। वाह क्या बात है, एंजॉय। प्रेम करते हो उससे? फुल। कितना? बहुत ज्यादा। उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए क्या कर सकते हो भैया, क्या करोगे उसके लिए? कर भी क्या सकता हूँ। शादी करोगे उससे? वो होती तो नहीं ना। क्यों नहीं होती? ऐसे क्या कारण क्या है वो उनसे पूछो यार। घर वाले नहीं मानते भैया, टूट गया यार। ठीक है मिलता हूँ ना। ओके बाय। तो ये जो है वो सेल कर रहे हैं, इंग्लिश इनको बोलने आती है तो फॉरेनर लोगों के लिए इंग्लिश में एकदम परफेक्ट होता है ये। हेलो, ये जो है इसके फूल वूल सजाया हुआ बढ़िया। कैमल, ओ यू नो ऑल्सो विच योर कंट्री मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। वेर आर यू फ्रॉम? South Chad. Yes? Yes? South Sudan. South Sudan. Your country is very development country. एंड फिर हम किसी पर्यटक या किसी मारवाड़ी या किसी राजस्थानी पूर्वज बुजुर्ग लोग से मिलते हैं और इस मेले की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये भाई सो गया सुबह। अरे भाई गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। ये उठा हुआ है। फोटू लेयर जासी विदेशा रे माइन। अच्छा, ओम से देगा गाइस मतलब ओ जो को कैमरा है वो जापान ले आए। अच्छा बढ़िया की। तो मेलो खत्म हो गयो? चल खत्म कटे गयो। ए ऊंट जा कम क्यों है मालिक? कम से कटे गयो जी। हां पहली 1500 तो 2000 के आसपास था, आज कम है 2-3 दिन के मुकाबले। राजसमंद जिले से आए हैं और इन्होंने कानों में आपने जो पहना है ये सोने का बड़ा ही प्यारा लग रहा है। राजस्थान का जो ये पगड़ी है और गले में एकदम ट्रेडिशनल कपड़ों में आप ग्रेट लग रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, एंजॉय करो मेला ने। राम राम सा उगे बात। हाँ। काई मेलो 2 दिन और चाली साल किस जगह पता रहे आप? राजसमंद आया। अच्छा राजसमंद हो आप सारा लोग। ठीक है जी, करो एंजॉय है ना। तो एंजॉय यारो मेलो आयड अब मेला का मायने आयडो एंजॉय। तो आपा आपको पार्टी तो करा को नहीं हटे? वो देवा को दुआए पानी जो लाए वो बोतल दो बोतल हटा किटा है माली। तो एंजॉय करो कि आप लोग मिली को नहीं हटा मेला मिली को नहीं आ रहा ये तो व्यवस्था कर लेते यार। तो मतलब दुकान तो इतनी है पैसा भी कोने बैठ तो काय ना हो जी माल तो जी बैठे ढकलो कसो ओ बैठे का कितना दिन हो गए हैं? आया 10 दिन हुआ फिर ही बैठे। तो कता बेचा? मतलब बैठ रहे को नहीं मामलो? तो ब्याह को जापा चुपाड़ा मिल लेला जणाई पूर्ति वेली गवर्नमेंट देवेली जणाई। गवर्नमेंट दे रही को नहीं? गवर्नमेंट कटे दे रही है कि बस 20000 दे दी पी बंदी। सुनावा ये देवे को नहीं? हां सुनावा ही है। ए काय बना रहे हो भाई जी? कोई मोरी मानदा ऊंट ने बांध बने। अच्छा ठीक है। तो आप राजसमंद आया? राजसमंद कितना किलोमीटर आपने ऊंटा ने गाड़ी में ले आया या पैदल ही हाईवे? गाड़ी में ले आया जने। तो चल तो किराए भारी पड़ गयो साहब। भाई पड़ी गो पाला तरावा तो मोटो करा। कितना महीना कितने साल पाल रहे हो आप? मैं तो 3-7 पीढ़ी से चालू है प्रोग्राम। 7 पीढ़ी हूँ और अगली जी की पीढ़ी आ रही है भाभी ऊंट पाल सी नहीं पाए कमाई। गवर्नमेंट तो गणपति रोल्टी के जा रही है 10000 दापा कर आ रहे नहीं है
और अब बीस की घोषणा करी है, अभी वार का तो आपका आवागा नहीं आवागा फार्म लगाए पता पड़ेगा। गवर्नमेंट है जी की ऊँटा ने पहाड़वा ने काश्तकारों को व्यापारियों को पशुपालकों को वो है कोई सेवा नहीं दे रही है, कुछ सेवा नहीं दे रही है ईमान बाबू जी। अति सलाम कोई सेवा मिली गवर्नमेंट की? मिली तो यही बनवा तो कोई को आया एक दो बार कहीं का आया और कहीं कोना बापड़ा कोई का आगा हाँ तो कोई का कोना या तो प्रोसेसिंग करता बड़ा आईटी सेंटर में गांव का मैं जा रही ग्राम पंचायत वहां पढ़ाई मैं जाना को ना आड़ू आदमी मान तो सुना देता हूँ फोन वालों के देगा आपको 20,000 होगा मेरा राजीव जमा आपको 20 होगा। ये जो कैमरा मैन साहब है एकदम बढ़िया ट्रेडिशनल जो बाबूजी बैठे हैं फोटो वोटो ले रहे हैं। सर क्या नाम आपका? रहेगा डल जाए सैफुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, कहाँ से हो? अटल लेवर है पटना से। आर यू फ्रॉम पटना? तो आप यू आर फोटोग्राफर? हॉबीस्ट। आर यू यूजिंग इंस्टाग्राम पेज? योर पेज नेम SEIF4U ओनली? तो कितने फॉलोवर है? मोर देन 3000। 3000 ओके। यू आर अ फोटोग्राफर प्रोफेशनली? नॉट प्रोफेशनली बट जस्ट कर लिया कहीं लोग आपने जस्ट एज अ हैप्पी हॉबी वर्किंग। ओके सो मेले में कितने दिनों से आप? कल आया मैं। कल आए और फोटोग्राफ ले लिए आपने अच्छे अच्छे। सबसे अच्छा राजस्थानी लोगों में क्या लगा आपको? राजस्थान का कल्चर मुझे बहुत पसंद है, मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। राजस्थान की जो सबसे टॉपेस्ट पैलेस है जगह है कौन सी है? मैं तो अभी पूरा उधर पुष्कर से अजमेर से आगे मैं गया नहीं हूँ। मैं आपको सजेशन करूँगा आप एक बार जैसलमेर और एक बार आप बीकानेर विजिट करें। जाऊँगा जैसलमेर बॉर्डर के गांव और बीकानेर के गांव सेम जी, और वो भी बीकानेर के जो गांव है वहाँ पे आपको जो हमारे राजसमंद से दादाजी ये जो ये और बेहतर हो जाती है। हम तो राजसमंद से नहीं नागौर से। हाँ ये जो हमारे राजसमंद से भाई साहब नागौर से। हाँ जी 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 ठीक है जी। एंजॉय करो और मेले के बारे में कुछ बताओ, यहाँ के लोग कैसे मिले आपको, राजस्थान के कल्चर, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ के बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट कल्चर है यहाँ का, लोग बहुत अच्छे हैं, क्लीन हार्ट हैं। तो बता क्लीन हार्ट साफ दिल वाले। राजस्थान का जो दिल कहा जाता है वो अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को कहा जाता है। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाके आए ख्वाजा साहब के? नहीं कल जाऊंगा। कल जाओगे तो इनके बारे में ख्वाजा साहब के बारे में सिर्फ सुना है या पढ़ा है या देखा है? वहाँ जाके वहाँ मैं जा चुका हूँ, पहले जा चुका हूँ। कितनी दफा? एक दफा दो दफा गया। दो दफा आप गए। और अजमेर किसके लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके और ख्वाजा साहब के दो ऐसे वचन शब्द आप कहो लोगों को जो दुनिया में जो अमल करे उन पे विचारों पे चले और अपनी जो उनकी तालीम है शिक्षा है वो अपने जीवन में जो भी है उनकी जो तालीम नहीं है कि लोगों में प्यार से रहा जाए, आपस में भाईचारगी के साथ रहा जाए, दुनिया की जिंदगी को जो भी है वो आपस में मिलजुल कर दुख सुख बांटे। इनके कौन गुरु थे ख्वाजा साहब के या कौन शिष्य थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं नाम भूल गया हूँ। तो मुझे उतना पता नहीं है मगर अमीर खुसरो शायद इनके शागिर्दों में। या शागिर्द। तो वो जब ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार इनके ख्वाजा साहब के जाने के बाद वो एक बार आए और बड़ा उनका लगाव था उस दौर में। सर कितने सालों पहले की बात है ये? करीब यार तो नहीं पता मगर 600-700 साल तो पुरानी होगी। छः सौ सात 600-700 से पहले की। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो आई थिंक ऐसा नहीं जब दिल्ली सल्तनत में मुगलकालीन का जो दौर चल रहा था ये उससे पहले की बातें हैं। क्या या सो हैव अ गुड डे सर, नाइस टू मीट यू, माय नेम इज महेश एंड एंजॉय, हैव अ गुड डे। ओके।